बात की जाए अगर हमारे म्यूज़िक वीडियो की तो टाइटल है साजिश है एंड ऑब्वियसली बहुत एक प्यारा मुझे लगता है कि इसका थीम है कि है कैसी ये साजिश है, मतलब मेरे दर्द भी तुम हो और उस दर्द की दवा भी तुम ही हो, ये प्यार को लेके सिग्निफाई किया और स्टोरी बहुत प्यारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट का पार्ट स्पेशली बहुत प्यारा लगता है मुझे एंड यस इट वाज अ ऑनर वर्किंग विद हर, शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड अ नाइस ह्यूमन बीइंग, सो यस आई एंजॉय। सिंपल ऑप्शन होना चाहिए कि किस तरह एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की जर्नी रही आपकी? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था ये शूट पूरा, बिकॉज ये हम बहुत पहले से प्लान कर रहे थे और ये फाइनली जाके अब हुआ। ये पता नहीं कितने महीनों से हमारा चल रहा था कि करना है करना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी, बट देन फाइनली जब हमने शूट किया वो भी बहुत आसान नहीं था। बिल्कुल आसान, वो हमें 24 आवर्स पूरा शूट करना पड़ा था बिकॉज बारिश हो रही थी एंड रुक ही नहीं रही थी। तो हमारा ऐसा प्लान था नहीं कि हम बारिश में शूट करें पूरा गाना, पर आसार ही ऐसे हो गए कि हमें बारिश में शूट कर लिया। हाँ, तो बारिश में ही सारा गाना हो गया। हाँ, वहाँ अल्लाह अचानक से कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ ट्रक फंस गया पानी में, उसको कोई निकाल रहा है, तो बड़ी मुश्किलों के साथ पर फाइनली हुआ पूरा शूट। एंड ऑफकोर्स इनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत जिस मैंने मतलब क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो मतलब आई नो कि सुमेध कौन है पहले से एंड आई नो दैट ऑलरेडी न्यू कि ये बहुत अच्छे एक्टर है, पर वहाँ पे जो एक सेकंड में मेरे को एक सीन में देखने को मिला, मैं ऐसे थी एंड ही सॉ माय फेस, मैं ऐसे थी एक सीन के लिए, आई गॉट स्कैर्ड, तो मैं ऐसे कट के बाद आई कि क्या इट वाज ऑल ओके, ओह माय गॉड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर है। जैसे कि हमने आपको कृष्णा के अवतार में देखा है और अब हम कुछ तो आपको क्या लगता है ऑडियंस कितना आपसे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आपका इसमें रोल पूरा अलग है जैसे कि आपने कहा थोड़ा अलग, मुझे नहीं पता और ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल बात है जो श्री कृष्ण ने कही है, तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। कोशिश हम अपने साइड से 100% वो कर सकते हैं जो अपने हाथ में, और उसी पे ध्यान देता हूँ मैं। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे लिए थैंकफुल, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं और कोशिश करूँगा कुछ और अच्छा करूँगा। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कृष्णा का अवतार, अभी भी हम एपिसोड पे एपिसोड डाउनलोड करके देखते ही हैं। सो आपका एक्सपीरियंस सुम्बुल के साथ ये फर्स्ट टाइम है, सो कैसा रहा? क्योंकि सुम्बुल को तो हमने इमली से देख ही लिया, उनका एक्टिंग कैसा स्किल है तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि थोड़ा इन्होंने कहा है कि बहुत डिफिकल्टीज के बाद आप मतलब अभी शूट हुआ है, तो अभी कुछ फन मोमेंट्स बताइए सेट पे, कुछ हुआ है तो मीम आया था अरे यार उस मीम के सहारे हमने बहुत मुश्किल दौर बिताए हैं, दौर मुश्किल दौर बिताए हैं, सॉरी हाई करेक्टर थे जरा सा, बट वो ना वो जल्दी वहां से उड़ो वो वाला, ही लव दैट मीम सो मच एंड वहीं से पूरा दिन एंड पता नहीं मुझे वो इतना मुझे भी बहुत अच्छा लग गया वो मीम। हम लोग ऐसे ऐसे शॉट से पहले हम लोग बैठे हुए थे, हमको कोई भी दिख रहा है ना सामने तो हम लोग ऐसे अपने में बोल रहे थे जल्दी वहां से हटो जल्दी वहां से हटो, और मतलब हमने मस्ती बहुत की क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन और आपका टारगेट अचीव करना है, टाइम और एनर्जी बहुत आपकी लिमिटेड होती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि पॉजिटिविटी के साथ आप काम करो। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की नहीं करने एक एक बहुत क्योंकि बारिश सडनली इतनी आ गई और रुक ही नहीं रही है, मतलब तो ऐसा भी नहीं बोल सकते रुक जाओ शॉर्ट चल जाओ, तो एक जगह थी पानी में जहाँ पे हम रोमांटिक डांस कर रहे थे, और ना वो पहले ऐसे थी एक ब्रिज था छोटा सा और उसके पीछे एक वुडन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था और हम उस पर खड़े होकर डांस कर रहे थे। शॉट शुरू हुआ था वो ऐसा था, थोड़ी देर बाद वो ऐसा और पानी का लेवल ना बढ़ रहा था, उसने वहां से बोला कि जल्दी ये शॉट खत्म करो नहीं तो जाओगे वहाँ पे कैसे। एंड लकीली वो मुझे याद है हम लोग जो वहाँ पे शूट कर रहे थे उसके बाद हम लोग जस्ट ऊपर आ रहे थे, तो वहाँ पे कैसा था ना, वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी वहाँ नीचे जाने के लिए, पूरा मिट्टी थी जो हम लोग ऐसे ही, मेरा लंबा सा ऐसे ट्रेल वाला ड्रेस था वो मैंने ऐसा लपेट के कुछ तो ऐसे साइड में डाल के, एंड लकीली मैंने हील्स पहनी हुई थी तो मैं मिट्टी में हील जैसे घुसा हुआ था। एक होता है ना मतलब सुम्बुल से मेरे को काफी एडवेंचरस वाइब आता है कि लड़की बहुत एडवेंचरस है, मतलब मानना पड़ेगा। एक होता है ना कि कोई ऐसा होता है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, वाइट गाउन पहना है मैडम ने, बारिश हो रही है
और हमें नीचे वहाँ तक पहुँचने के लिए कीचड़ से जाना। अब मैंने तो फॉर्मल शूज पहने थे, उसमें कीचड़ में बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मैडम लेके गई मुझे, कैसे, वो हील्स है नीचे से वो बाहर पॉइंटेड निकलता है, उसको कीचड़ में फंसा फंसा के उतरे और वहाँ से उठा उठा के हमें ऊपर ले गई। अभी अभी कैसे, अभी तो आया नहीं है। क्या नाइस ट्राई। बॉकी टेक्नो में आपका स्टोरी भी आया था, काफी लोग पसंद किए, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस? मुझे तो उसका रिस्पांस ऐसा आ रहा है जैसे वो वेब सीरीज है कि आगे और मैं शूट करने वाली हूँ। वो एक प्रोमो मैंने शूट किया था एंड वो उतना ही था, एंड वो ऑडियो सीरीज़ है जिसके लिए वो एक प्रोमो बनाया जाता है, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था, मैंने पहले भी बोला, एंड उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। जैसे कि हम जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो अगर आपको मौका मिले तो आप जाना चाहोगे, तो दोनों में से किस में जाना पसंद? मैं शायद खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहूँगा, मुझे लगता है मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, मतलब बिग बॉस में जा सकता हूँ मैं, पर मुझे निकाल देंगे जल्दी। क्या क्यों आया है इसको भेजो।